सब्जियां में पाने हम, चावला में पाने, हर चाय में पेंदी। दाल चो सब तो ज्यादा मजेदार दाल चो लगती। इन्हें से सुंडी सदने। ये बात खा के देखो तो दाल पता लगी। ये जरा खा के दिखा दे यार। बिस्मिल्लाह पढ़े। कैसा इसका जायका वैसे कैसा होता है? ऐसा जो है आप भी तैयारी करी रही। नाल नाल कराले उन साढ़े को लाके जाने ने वो केंद्र ने के उन भाई बहुत मजेदार तुसी ये काम बहुत अच्छा कर दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम। जिस वक्त मैं खाना बदोशों के हलके में मौजूद हूं, इन्हें झोंपड़ी वाले, पक्षीवास, तपड़ीवास मुख्तलिफ हलकाबाद से नवाजा जाता है। ईद का गोश्त जो कि आपके और मेरे घरों में डीप फ्रीजर्स में या फिर फ्रिजेस के अंदर रखा जाता है, ये लोग किस तरह से उसको स्टोर करते हैं, ये इंतहाई दिलचस्प मौजू है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये गोश्त तुसी किवें स्टोर करदे हो? साहब जी लोग फ्रिजन च रखदे आ, कोई 4-5 दिन बाद खराब हो जाता है। असी साल भी रख लिए, 6 महीने भी रख लिए, साडा खराब नहीं हुंदा। अच्छा, ये की टेक्निक है? हल्दी ते नमक लगा के रस्सी पे सुखा दिया। हाँ, इसको हल्दी लगाई है, नमक लगाया, इसको उबाला है फिर आपने? नहीं उबाला नहीं है, 2-3 दिन बाद उतार लेते हैं। अच्छा, उतारने के बाद वैसे कच्चा भी खाया? अब ये जो चीज है इसको कच्चा खाया जाता है? नहीं कच्चा नहीं, जो छोटा होता है वो असी किसी कढ़ाई में डाल के ना उसको सलकाने फ्राई कर लेते हैं। ये पक्का हुआ है ना? हाँ, इसको फ्राई किया, जिसको किया है सलकाया हुआ है। हैं, ये देखो ये ऊपर रस्सी पे नहीं डाला, ये ऐसे ही हो गया। इसको खाया जा सकता है ऐसे भी? खाया जाता है। अच्छा। इसको खाने के ऐसा लगे तो होगा जो आप कबाब नहीं खाया। ये बता रहे हैं मोजेस खातिनो हजरात, दो तरीकाकार हैं। एक तो ये तरीकाकार है जिसमें आप देख सकते हैं लंबे लंबे से इन्होंने ये बना रखे हैं, ये जिस तरह से बीफ स्टेक या मुख्तलिफ स्टेक्स आप और हम सब खाते हैं ना, उसी तरह से उसकी ये बारीक कटाई करते हैं, उसको हल्दी लगाते हैं, उसको नमक लगाते हैं और उसको 2-3 दिनों के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं धूप में। उसके बाद जब गोश्त का पानी निकल जाता है तो फिर वो गोश्त जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, उसको फिर साल हर साल आप रख सकते हैं। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में। दूसरा तरीकाकार जो गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, ये बकरे की चाम की बोटी है जिसको इन्होंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इन्होंने इस गोश्त को रख लिया है। अब ये इस गोश्त को वैसे भी खा सकते हैं, इस वक्त ये खा भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक आध ये फ्राई की हुई जो बोटी जिसको आपने सिलगाया हुआ है वो जरा खा के भी दिखा दें। ये देखो ये फ्राई की हुई बोटी है, ये जरा खा के दिखा दें आप। बिस्मिल्लाह पढ़े। कैसा इसका जायका वैसे कैसा होता है? आप भी तैयारी कर रहे? आपके पास तो मुख्तलिफ तरह का गोश्त आता है, ऊँट का भी आता है, बकरे का भी आता है, बच्चे तो वो सारे आप इकट्ठे कर लें जी? सिर्फ आप बाद में इसकी तमीज कैसे करते हैं कि ये बकरे का था, ये ऊँट का था या ये बछड़े का गोश्त? नहीं ऐसी ऐसी सब मिक्स करके ना सब मिक्स हो जाता है, वो सबका लज्जत एक हो जाती जायका भी, और सब खाने के लिए एक जैसा ही होगा, एक जैसा जायका सबका हो जाता है, चाहे वो ऊँट का है, चाहे वो बछड़े का, चाहे बकरे का हो रहेगा, इसका जायका हो रहे। अच्छा, वैसे आप अंदाजा लगा के बताएं कि ये किस चीज का गोश्त है? बैड़े का। बैड़े का गोश्त है, बछड़े का गोश्त, और ये किस चीज का गोश्त? बकरे का। ये बकरे का, ये टन ना सेक लगता है ना, पानी में उबलता है, कल ताजा होता है ना, वैसे ये ताजा हो जाता है। भाजी तुम सारे इंटरव्यू बोलते रहे हो कि चीज मजेदार बनती है, तो ऐ जरा दसो हूँ। हाँ सब तो अच्छी है, मजेदार बनती जी असी बालिया होंगे काड़िया होंगे ने मजेदार जिन्होंने बाद चो फ्राई भी कर दो जमें आप बकरे की बोटी है। अच्छा, जो मर्जी तुम चुक के खा लो, यानी कोई सालन नहीं बन सक? नहीं बन रहा है, असं सब्जियां में पाने, चावला में पाने, हर चाय में पेंदी। दाल चो सब तो ज्यादा मजेदार दाल चो लगती। यदि पकाई नु टाइम ज्यादा लगता है या जो आम गोश्त फ्रिज में होंगे? आम जीवन फ्रिज गोश्त उन्ना ही टाइम सगो उस तो जल्दी पकता है। नालो जल्दी पक जी, वो भी तुसी जाहिर खादा होएगा जिंदगी दे अंदर, है भी खादा है, वो ज्यादा लजीज है या ज्यादा लजीज है? साडे वेखण च त्या ज्यादा लजीज है। ये कदी खा के देखो तो तुहानू पता लगे। नाल नाल ने कराले हुण साडे कोल लाके जांदे ने वो कहंदे ने कि हुण भाई बहुत मजेदार तुसी ये काम बहुत अच्छा करदे जी। अच्छा, ए जिहड़े लंबे लंबे ने जिन्हां नू तुसी सुखाया होया, इहदा की नाम रख्या होया ते फ्राइड आइटम दा की नाम रख्या? इहनू असीं सुंडी सदने। अच्छा जी, ते ए दूसरी नू? इहनू असीं पतली सदने। पतली जी, पतली बे नाल। अच्छा, बतली इहदा नाम किवें पिया, कित्थों पिया? ये तो हुण पता नहीं, साडे वड्डे कहिंदे सी ते वो शुरू तो रवाज चलदा ना सी, वी ओही कह रहे। अच्छा, सुंडियां दा ते समझ बिल्कुल लग रहा, चूंकि इहदी शक्ल जरा थोड़ी जी लंबी है, इस वजह तो सुंडी दा नाम पै गया। बिल्कुल ठीक, असीं इहनू पहले बालने आ, वो जदों वो थोड़ी ढिलियां हो जांदियां ने भी नरम हो जांदियां ने, ते फिर असीं सब्जी चो भावें दाल चो भावें चावलां चो जिहड़ी शै च मर्जी पाओ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
महीने भी खा लेते असं चलिया गांड के अंदर इस तरह जिम्मे बच्चे पींगे बनाए देने पंगूड़े इन्होंने मंजा ने इस तरह चलिया गांड के अंदर टंगे होंगे उन्होंने मशहूर तो है कि मतलब साल साल इन रखा जा सकता कभी साल पूरा खादा भी है तुसी? आपको हमने झुग्गियों में रहने वालों का वो गोश्त को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं दो तरीका कार है वाइडली। एक तो ये है कि आप इसको हल्दी और नमक लगाकर इस तरह से इसकी स्टेक की तरह की कटिंग कर लीजिए और ये नॉर्मली बछड़े के गोश्त का वेड़े के गोश्त का किया जाता है। और जो दूसरा बकरे का या जो ऊंट का गोश्त है जिसमें हड्डी होती है उसको ये नॉर्मली फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ये वैसे भी खाते हैं, उसको ये दालों में भी डालते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं, ऐसे भी इसका सालन बना लिया जाता है, चावलों में डालकर बिरयानी की तर्ज पर भी खाया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ के रहने वाले जो खाना बदोश हैं वो बताते हैं कि इसका जायका डीप फ्रीजर में पड़े हुए गोश्त से ज़्यादा लजीज और ज़्यादा जूसी बनता है। अब ये तो इस जानिब के लोगों ने वो नहीं खा रखा नॉर्मली या उस जानिब के लोगों ने ये वाला गोश्त नहीं खा रखा, तो इसलिए इसका कंपैरिजन कोई इस तरह से ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि इस गोश्त की नज़ीर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।